दित्या क्लासेस दोस्तों आज हम परीक्षा अध्ययन 2024 जो कि क्लास एट्थ का है इसका सोशल साइंस का जो चार सेट्स इसमें गिवेन है उसका सेट नंबर थर्ड और फोर्थ हम इसमें जो है इजी वे में हम समझेंगे इससे पहले मैंने पहला सेट और बोर्ड सेक्शन बोर्ड सेट जो है बना चुका हूँ वो आपको प्ले सेक्शन में इसके मिल जाएगा आप उससे आप जो है देख सकते हैं आपको यहीं का यहीं याद हो जाएगा आपको अंत तक वीडियो जो है देखना है और मैंने इतनी इजी वे में इसमें समझाने की कोशिश किया हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत या बार बार इसको जो है आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट जो पेपर सेट नंबर थर्ड है इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो वन से फाइव तक का एक एक मार्क्स के होते हैं पहला क्वेश्चन है बाई वॉट नेम्स वर अर्ली ट्रेडर्स ऑफ द ईस्ट इंडियन कंपनी नोन ट्रेडर्स मतलब होता है व्यापारी तो मतलब किस नाम से जो उस समय के व्यापारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी को उनको जाना जाता था तो किस नाम से जाना जाता था तो पहला है फैक्टर एफ ए सी टी ओ आर फैक्टर के नाम से जाना जाता था उस समय के जो व्यापारी होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी में नंबर टू नेक्स्ट क्वेश्चन है सतनामी मोमेंट वाज स्टार्टेड बाय जो सतनामी मोमेंट था उसको जो है घासीदास जी द्वारा जी एच एस आई घासी दास घासी, और दास। इसका घासी दास जो है ए ऑप्शन ऑप्शन आपका करेक्ट करेक्ट है है इसका फैक्टर करेक्ट है। तो घासीदास के नाम से आपको याद रखना है ठीक है तो सतनामी तो इसे भी ऐसा भी याद कर सकते हैं कि झांसी घासीदास का झांसी का झांसी के जो झांसी के नाम से याद कर सकते हैं कि झांसी में हमेशा सत्य का ही जो है नाम रहा है तो सत्य नाम झांसी ऐसा करके आप याद कर लीजिए इसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर इन इंडिया वीट क्रॉप्स इज गिवेन ग्रोन इन तो वीट जो है जो गेहूं वीट मतलब होता है गेहूं गेहूं जो है कब उगाया जाता है तो विंटर विंटर मतलब ठंड सभी को पता है कि ठंड में जो है गेहूं उगाया जाता है ठीक है गेहूं की खेती की जाती है और यहां पर देखिए डब्लू से वीट और डब्लू से विंटर ठीक है या कि जिसके पास वीट होता है वही विन होता है तो भाई खाने के लिए गेहूं है तो आप जीत सकते हो आराम से तो ऐसा करके आप वीट विन तो जैसा भी आपको याद होता है आप उसको याद कर सकते हैं जीवे में चलिए क्वेश्चन नंबर फोर के अंदर क्वेश्चन नंबर इसमें तो विंटर हो जाएगा डब्ल्यू आई एन टी ई आर विंटर एस ई ए एस ओ एन क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया द वर्ड सेकुलर वॉच एडेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हमारा संविधान है उसमें समय के अनुसार जैसे जैसे समय बदलता जाता है यदि अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है तो उसमें अमेंडमेंट किए जाते हैं तो यहाँ पर जो है हमारे प्रियम्बल हमारे संविधान में यदि आप संविधान आप देख की जो बुक देखेंगे तो उसमें जो है ये बुक्स में दिए दिए रहते हैं प्रियम्बल लिखा रहता है तो प्रियम्बल के अंदर एक वर्ड जोड़ा गया था सेक्युलर सेक्युलर मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष तो भारत हमारा हमारे भारत में धर्म के आधार पर किसी को जो है डिस्क्रिमिनेट या उससे अलगाव नहीं किया जा सकता है तो ये जो वर्ड है ये किसके तहत जुड़ा गया था ये फोर्टी टू फोर्टी टू सेकेंड एमेंडमेंट ए एम ई एन डी एम तो ये अमेंडमेंट होता है संशोधन मतलब बयालीसवें नंबर के संशोधन में संविधान के संशोधन में ये बताया गया सेकुलर वर्ड को जो है ऐड किया गया हमारे पेम्बल के अंदर ठीक है फोर्टी टू सेक्यूलर उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव के अंदर द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स इसका मतलब है एस और एस जो है प्रिवेंशन ऑफ द एक्टिवसिटीज मतलब इनके इनको इनके साथ जो है इनको प्रताड़ित करना या इनको जो है नुकसान पहुँचाने के लिए इसको रोकने के लिए जो नियम एक्ट मतलब कानून पास हुआ था वो कब हुआ था 1989 के अंदर चलिए तो इसमें जो है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अब इसको कैसे याद करेंगे इसका सही आंसर है 1989 तो इसको याद करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आटो में ऐसा करके एट्रो को ऑटो बना दीजिए ऑटो में आठ नौ लोग बैठे थे तो एट और नाइन तो ऑटो में आठ नौ लोग बैठे थे तो ऐसा करके ये याद हो जाएगा आपको और भूलेगा नहीं तो ऑटो में आठ नौ लोग बैठे थे तो नाइनटीन एटी नाइन ये जो है इसको आपको याद हो जाएगा इसके बाद फिलिंदी ब्लैंक्स फिलिंदी ब्लैंक्स के अंदर फिलिंदी ब्लैंक्स भी हम इस तरह से याद करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स द डैश इज कंसीडर द चलिए फिर इन दी ब्लैंक्स के अंदर क्वेश्चन नंबर सिक्स डैश इज कंसीडर द फादर ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन इंडिया कौन से ऐसे कौन था जो इंग्लिश से एजुकेशन इंडिया में जो है इंग्लिश एजुकेशन को लाया तो वो कौन है माक्यूले तो कैसे एम ए सी ए यू एल ए बाई तो कैसे याद करोगे मा और काउले माँ काउले ऐसे करके याद कर लो आप तो इंग्लिश में कौन सिखाया भाई पहले इंग्लिश जो है माँ ने सिखाया तो माँ काउले माँ काउले ऐसा करके आप याद कर लीजिए उसके बाद सेवन नंबर सेवन नंबर में डैश इज डैश पब्लिश अ बुक नेम स्त्री पुरुष तुलना स्त्री पुरुष तुलना जो बुक है ये किसने पब्लिश की तो कौन है वो तारा टी ए आर ए तारा और बी ए आई बाई और एस एच आई एन डी सिंधे तो कैसे याद करेंगे स्त्री पुरुष की तुलना तो भाई कौन कर सकता है तो कौन कर सकता है थारा भाई थारा भाई सिंदे तो ऐसा करके आप याद कर सकते हैं तारा बाई सिंदे तो थारा भाई स्त्री पुलिस की तुलना कौन कर सकता है तो थारा भाई कर सकता है ऐसा करके याद कर लीजिए आप उसके बाद एट नंबर इन डैश पार्ट ऑफ द इंडिया बैम्बू ग्रोन एबेंटली मतलब एवेडेंटली मतलब अधिकतम जो है पर्याप्त मात्रा में बैम्बू मतलब बांस कहाँ उगता है तो वो है आपका नॉर्दर्न नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में हमारे असम साइड तो एन ओ आर टी एच नॉर्थ उसके बाद ई एस टी ई आर एन तो नॉर्थ और ईस्ट यहाँ पे है ये है बस ई आर एन आपको जोड़ना है तो नॉर्थ ईस्टर्न याद हो जाएगा उसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन चलिए इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं नाइन नंबर फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर मेन्सन इन द हमारे देश के अंदर जो है आर्टिकल्स बनाए गए हैं कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं तो जिससे हमें अपने देश के लिए हमें करना चाहिए यदि हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं कुछ अधिकार हमारे संविधान हमें अधिकार देता है तो हमारे हम वह उम्मीद करता है कि कुछ हम अपने देश के लिए हमें करना चाहिए तो वही कहलाती हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो धन फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में किस आर्टिकल के अंदर दिया गया है तो आपको ध्यान रखना है फिफ्टी ए तो फिफ्टी ए के अंदर जो है इस एक्ट के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में लिखा गया है इसको ध्यान रखना है उसके बाद इंडिया ए, इंडियन लॉ डजेंट डैश बिटवीन पीपल्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन कास्ट एंड अ जेंडर तो इंडियन लॉ क्या करता है हमें डिस्क्रिमिनेट मतलब अलग अलग नहीं करता है भिन्नता पैदा नहीं करता है तो क्वेश्चन नंबर इसमें जो है टेन टेन की स्पेलिंग आपको होगी डी आई एस डिस और सी आर आई क्री डिस क्री उसके बाद एम आई एन ए टी ई मिनेट तो तीन बार में याद कर लिए डिस मिनेट डिस क्री मिनेट तो यहाँ पर हमारा जो है ये प्रैक्टिस सेट सेट नंबर थ्री कम्प्लीट हो जाता है अब इसके बाद हम देखते हैं आई होप ये आपको जो है समझ में आ गया होगा नेक्स्ट सेट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यदि आपको अच्छा लगा हो तो आपको इसको जो है मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है ताकि मैं और भी इसी तरह वीडियो आपको इसी का यही आई होप आपको ये जो है सभी क्वेश्चन इसी के अंदर जो है याद हो जाए याद हो गए होंगे और दो से तीन बार यदि आप देखेंगे तो आपको जो है ये समझ में आ जाएगा यदि अच्छा लगा तो आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है दोस्तों को अपने शेयर करना है जय हिंद जय भारत